दोस्तों, क्या आप भी दर्द खुजली की जलन से आप भी परेशान हैं जो आप यह वीडियो पे देख पा रहे हो? दांत खाज खुजली, नकल नहीं अकल लगाओ। तो इस विषय में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, फिर भी आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो मैं हूँ दिवास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट किंग। कृपया वीडियो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में जाके कभी भी मैं मेडिसिन रिलेटेड कोई भी नया अगर वीडियो डालता हूँ तो आप उसका वीडियो का लाभ उठा पाए। धन्यवाद। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, ये जो दर्द खुजली की जो बीमारी रहती है, एक बार जब इंसान को होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है इंसान को, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो रात को सोने में भी जो है नींद नहीं आती, क्योंकि रात भर आपको पता है जब ये जो प्रॉब्लम जो है आते वक्त कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी विषय में मैं आपको जो है इस दर्द खुजली की बीमारी में आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको पूरी विस्तार में जानकारी देता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इस दर्द खुजली के लिए, बहुत सारे प्रिस्क्राइब करते हैं, पर एक बहुत ही अच्छा जो है सॉल्ट का नेम है, उसका नाम है लुलिकोनाजोल। ये लुलिकोनाजोल जो है ये आपको अलग अलग नाम से मिलते हैं मार्केट में। अभी मैं आपको ये लुलिकोनाजोल के बारे में, यानी कि आपको इसके ब्रांड के नेम, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है और इसके साइड इफेक्ट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो बताना चाहूँगा, ये लुलिकोनाजोल जो है एक एजोल ग्रुप है, जो एंटी फंगल मेडिसिन है जो एक स्किन पे होती है। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, ये जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम के समय में इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि रात में सोने के टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो आपको बताना चाहूँगा, इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं तो उसका एक सॉल्ट नेम है लुलिकोनाजोल। तो लुलिकोनाजोल जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं। तो मैं आपको अभी इस वीडियो में इसका ब्रांड नेम क्या मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से मिलते हैं और इसका यूजेस क्या रहते हैं, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और इसका साइड इफेक्ट क्या क्या रहते हैं, ये मैं आपको पूरी विस्तार से बताता हूँ। तो बताना चाहूँगा, लुलिकोनाजोल जो एक एजोल ग्रुप है, जो एंटी फंगल मेडिसिन है, जो स्किन पे होने वाली फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, ये जो लुलिकोनाजोल जो है ये आपको लोशन में, क्रीम में, सोप में, अलग अलग फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको लुलिकोनाजोल के बारे में, यानी कि क्रीम के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, ये लुलिकोनाजोल जो है ये एक वाइट क्रीम में रहती है और ये 1% वेट बाय वेट स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिलता है। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, ये लुलिकोनाजोल जो है ये एक वाइट क्रीम में रहती है और ये 1% वेट बाय वेट स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिलता है। सो ये लुलिकोनाजोल जो है ये सिर्फ, अभी आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए, यानी कि सिर्फ बाहर वाली जो सतह में जो है आप यूज़ कर सकते हैं और इसको अंदर कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, आप इस क्रीम को मेडिकल से जो है फार्मासिस्ट की एडवाइस से आप ले सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आप कृपया एक बार डॉक्टर की कंसल्ट करके लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं ब्रांड के बारे में। ये लुलिकोनाजोल जो है ये अलग अलग एरिया पे, यानी कि अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाता है, पर जो नॉर्मली जो मिलते हैं उसका मैं आपको नाम बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मली मिलने वाले हैं वो है लुलिफिन क्रीम हो गया, आपका लुलिबर्ट हो गया, आपका लुलिनेक्स हो गया, और ये सब कुछ क्रीम जो है आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहता है। सो अगर प्राइस के बारे में बात किया जाए तो प्राइस जो रहता है ये 150 से लेके आपको 300 के अंदर जो है इसका प्राइस आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ। इसके यूजेस जो रहते हैं, सबसे पहले तो स्किन इन्फेक्शन के लिए, यानी कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जो स्किन पे, तो उसके लिए आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जो है बीमारी के नाम है उसको कहते हैं एथलीट फूट, यानी कि एथलीट फूट मीन्स आप जो इमेज में आप देख पा रहे हैं ये जो रहता है ये एथलीट फूट रहता है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो स्किन है वो क्रैक होना और इसमें आपको रेडनेस होना,
इसमें घाव होना, खुजली होना, और अगर सेवियर पहुंच जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो है ब्लिस्टर यानी कि वाइट जो रहते हैं ब्लिस्टर भी हो सकते हैं, और कभी कभी जो है हाथ में भी खुजली और क्रैक हो जाते हैं, इसमें भी आप जो है ये लूली कराजोल जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है वो आपको बताना चाहूँगा, उसका नाम है जोक इच। ये जोक इच जो रहते हैं वो खुजली और जलन होती है जहाँ पे स्किन फोल्ड होते हैं, यानी कि आपको जो भी कहीं भी आप देख पा रहे हो स्किन फोल्ड वगैरह रहते हैं, आप इमेज में भी देख पा रहे हैं कि जो स्किन जहाँ पे फोल्ड वगैरह रहते हैं उस जगह पे जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है मीन्स जॉब जो है जॉब पीच हो जाते हैं, मीन्स ज़्यादा खुजली होने लगती है उस साइड में। तो जब ज़्यादा खुजली होने लगती है तो उस समय उसे कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं जॉब पीच कहते हैं। तो आप उसमें भी क्या है इस बीमारी में भी आप लूली कनाजोल क्रीम की आप यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा जो है चौथा आपको बताना चाहूँगा, इसे कहते हैं रिंग वॉर्म, जो आप इमेज पे देख पा रहे हैं रिंग वॉर्म। तो इसमें क्या रहता है, ये एक सर्कल जैसे रिंग बन जाता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुजली और जलन और रेडनेस होने लगती है। तो इस समय भी इसमें भी आप जो है लूरिक कनाजोल क्रीम की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ऐसी बीमारी उनको बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी बहुत ही ज़्यादा शरीर में पसीना जो है छूटती है, और बताना चाहूँगा ये जो है किन किन को बहुत ही ज़्यादा होती है, मीन्स अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, या अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हो, या फिर कोई खेत में बहुत ही ज़्यादा काम करता हो, या आप बोल सकते हो कोई अगर ड्राइविंग वगैरह करता हो एक ही जगह पे बैठ बैठ कर जो है पसीना ज़्यादा जिसकी छूटती हो ना, उसे इस प्रकार की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो ठीक करने के लिए लूली कनाजोल जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए मीन्स जहाँ पे आपका अफेक्टेड एरिया रहता है, जहाँ पे आपका खुजली रहता है, उस खुजली के साइड में सबसे पहले तो आपको उसको साफ़ करना है। साफ करने के बाद उसके बाद आपको जो है अपने हाथों को अच्छे से धो ले पहले, और जो है बाद में भी उसको धोना, हाथों को अच्छे से पहले धोना है। और उसके बाद जो है जहाँ पे आपका जो है प्रॉब्लम जो होगा, जहाँ पे आपको खुजली हो रही है उस एरिया पे आपको कुछ अच्छे से जो है क्रीम को निकाल के उसको लेयर पे अच्छे से बना के लगाना है, लगा के उसको कवर कर देना है। तो ये क्रीम आप दिन भर में जो है 2 से 3 बार आप इसको लगा सकते हैं, और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो पेशेंट के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी को यानी कि 7 से लेके 14 दिन तक की इसकी ज़रूरत है, मीन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका कोर्स रहता है। सो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा अगर आप ये क्रीम घर पे अगर आप लेके आते हैं तो इसको है जो है ड्राई प्लेस पे आपको इसको रखना है, और इसको डायरेक्ट सनलाइट जो रहती है डायरेक्ट सनलाइट को आपको इसको एक्सपोज नहीं करना है, और आपको जो है 22-25 डिग्री सेल्सियस में इसको क्या करना है मीन्स इसको रखना है। अगर बताना चाहूँगा अगर आप डायरेक्ट सनलाइट से जो है इसको एक्सपोज करते हैं तो इसका जो है मीन्स इफेक्टिव प्रॉपर्टी जो रहते हैं वो काम करना बंद कर देता है, और आपको अच्छे से जो है इसका इफेक्ट नहीं मिल पाता। सो फ्रेंड्स, आपको इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। स्टडीज में बताया गया है कि इसका साइड इफेक्ट जो है बहुत ही कम होती है, पर अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको सन में एक्सपोज करते हैं, या अगर आप पता चला आपने कभी भी एक्सपायर प्रोडक्ट कुछ भी लेके आ गए तो और बहुत ही कम मात्रा में अगर किसी को हो जाती है साइड इफेक्ट अगर होता है तो क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको जो है मीन्स रेडनेस होना, इचिंग होना, और स्वेलिंग जैसी जो है इसमें स्वेलिंग जैसी बढ़ सकती है, कि जहाँ पे खुजली हो रही है वहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये फंगस की एल्गोस्टेरोल को बढ़ने से रोकता है, और बताना चाहूँगा कि जो कि फंगस की सेल वॉल सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार रहता है और फंगस की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार रहता है। तो ऐसे जो है लूली कनाजोल जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ये खुजली, इचिंगनेस, आपकी जो रेडनेस हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा इसको जो इस्तेमाल करने से पहले आप जो है कृपया अपने डॉक्टर को सलाह लें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी जो है फ्रेंड्स और फैमिली भी जो है इस वीडियो को देख के इसका लाभ उठा पाए। धन्यवाद।